पहले हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ बेस पेयर, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ बेस पेयर। इसमें जो पूछ रहा है डीएनए का, डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उसका नंबर पूछ रहा है, बेस पेयर का नंबर कितना होता है। तो ये होते हैं, ये होते हैं 3.3 × 10⁻¹। इतने नंबर में प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर, इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, बेस पेयर प्रेजेंट इन डीएनए। इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू डीएनए का लेंथ, डीएनए का लेंथ जो है अपॉन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चाहिए जो है वो सेंट्रल डोगमा को, सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो बिकॉज, क्योंकि इसमें जो होता है वो रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से ये सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता है। चाहिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए इज एप्रोप्रिएट। वन टर्न जो हेलिक्स मॉडल है उसमें वन टर्न का लेंथ कितना है, वन टर्न लेंथ हेलिक्स मॉडल है, तो ये होता है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है वन टर्न का लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग रेशियो इन जनरली कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। क्या पूछा है कि जनरल स्पीसीज के लिए जो क्या पूछा है, रेशियो इज जनरली कॉन्स्टेंट फॉर, अच्छा रेशियो पूछा है जो कॉन्स्टेंट है, रेशियो कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट रेशियो है वो है जी प्लस सी अपॉन ए प्लस टी। ये जो इसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, जी प्लस सी अपॉन ए, जी इक्वल टू सी होता है, ए इक्वल टू टी, तो इसका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है सारे डीएनए के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए mainly found in nucleus, mainly found in nucleus, mainly nucleus में पाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पढ़ा हुआ पूरा।